हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा जहाँ पर सब कुछ खुलेआम होता है, और ये गोवा में है। और इसे स्वीट वाटर लेक या फिर सीक्रेट वाटर लेक भी कह सकते हैं। तो चलिए, मैं अरम्बोल बीच से चलना स्टार्ट कर दिया हूँ, और आपको अरम्बोल बीच से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा वाई वॉक। तो मैं वहाँ पर चल कर उस सारे नज़ारे को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ जो कि वहाँ पर हो रहा है, और आप भी आके कर सकते हैं या इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए, वहाँ पर चल के मैं आपको सारी चीज़ों से अवगत कराता हूँ और उन सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। लेट्स गो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. वैसे तो पूरे अरम्बोल बीच में या अरम्बोल बीच के साइड में रशियन मिल जाएंगे, लेकिन ये मेन एरिया है जहाँ पर सारे रशियन लोग रहते हैं। मेन एरिया मतलब यहाँ पे आपको वो एक लड़की दिख रही होगी, रशियन लड़की, जो वहाँ पे स्विमिंग कर रही है। और यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग बनी है सारे में रशियन ही रहते हैं। आपको ए टू जेड रशियन लोग मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ से लेके पूरा स्वीट वाटर लेक तक तो सभी बिल्डिंग्स में रशियन रहते हैं, और वो अपनी छुट्टियों का इन्जॉय करते हैं और इसी बीच में आके इन्जॉय करते हैं। तो चलिए, मैं आ गया हूँ कहाँ पर, स्वीट वाटर लेक में पहुंच गया हूँ, और यहाँ से आपको सब कुछ दिखाने का प्रयास करूँगा। आप वहाँ से आगे आओगे, जस्ट अरम्बोल बीच से आगे आना पड़ेगा, जैसा कि मैं आया था और दिखाया था आपको, और जस्ट आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। लेकिन इसके सामने एक बीच भी है। अभी मैं जिस बीच पे खड़ा हूँ ना, जहाँ पे ये बीच एरिया है, लेकिन वो सामने है स्वीट वाटर लेक। तो इस बीच को पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये यहाँ से बीच दिख रहा है, इसे स्वीट वाटर लेक में मैं खड़ा हूँ, और वो जो सामने बीच है उसे कालचा बीच कहते हैं। इस बीच में बहुत कम भीड़ होती है, और रशियन लोग इसे न्यूड बीच के नाम से जानते हैं, बिल्कुल न्यूड बीच के नाम से। अगर आप कोई भी रशियन वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय तक कोई लोग नहीं आते थे, केवल रशियन आते थे। अभी इंडियन लोगों ने भी 2-3 सालों से आना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन स्वीट वाटर लेक का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो वाटर है बिल्कुल फ्रेश वाटर है। जैसे कि आप सभी को पता है, समुद्र का वाटर पानी जो है खारा होता है, मतलब नमकीन वाला पानी होता है। लेकिन ये जो पानी है बिल्कुल फ्रेश वाटर है, वो क्योंकि पहाड़ियों से आता है, ये बरसात का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि सितंबर से मई तक केवल यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बट बीच बीच में तब भी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर 12 महीने बारिश होती रहती है। 12 महीने दैट मीन्स 7 महीने, 6 से 7 महीने यहाँ पर लगातार बारिश होती है, इसलिए बिल्कुल फ्रेश वाटर है। और पहाड़ियों से पानी हमेशा आता रहता है यहाँ पे, और कुछ अन्य स्रोतों से भी यहाँ पे पानी आता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, नज़ारा है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक बहुत कमी रहती है, और यहाँ पर स्पेशली कपल आते हैं जिन्हें चिल करना होता है, या फिर सिंगल बॉय जिन्हें चिल करना होता है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और रशियन लोग तो इसे न्यूड बीच के नाम से जानते हैं, तो कालचा बीच तरफ ऐसे पड़े रहते हैं साइड में। तो अगर आपको वो भी देखना है रशियन लोगों को, तो अभी आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल ये कवर करने जा रहा हूं, क्योंकि यही चीज दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको कालचा बीच दिखा दूं, अगर आपके कमेंट आएंगे तो। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे सब खुलेआम कैसे होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पे सब खुलेआम होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, लड़की गोद में बैठी हुई है, और ये सब करते हुए ये सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, सब खुलेआम होता है, और सभी करते हुए दिख जाएंगे। अभी मेरे कैमरे को देख के थोड़ा सा रुक गए ये लोग। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ थी, और कुछ ऐसे हैं दृश्य हैं जिनको मैं दिखा नहीं सकता अपने इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी चिल करना चाहते हैं, अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप भी यहाँ पर आके गोवा की मस्ती को देखना चाहते हैं, गोवा के व्यू को देखना चाहते हैं, तो एक बार जरूर इस सीक्रेट लेक, दैट मीन स्वीट वाटर लेक पे विजिट करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।